तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे वाह, सब एकदम रेडी है। प्राजक्ता ने पर्दा ने, वाह। प्राजक्ता? कौन प्राजक्ता? वो सफेद सफेद है ना, वो प्राजक्ता। लो प्रोजेक्टर है। हाँ वही वही वही, जो जो वही है भाई, सब रेडी है। बढ़िया बढ़िया। अच्छा सुनो भाई सुनो, मेरी तरफ से आप सबको ऑल बेस्ट। थैंक यू जेठा भाई। भगवान करे गाड़ी का जो बम्पर इनाम है वो गोकुलधाम सोसाइटी में से किसी को मिले। जेठालाल, अगर किसी को कार नहीं लगी तो मैं ये जाहिर कर दूंगा कि ये स्कीम फर्जी है। गोकुलधाम सोसाइटी में से किसी को नहीं मिली तो? नहीं नहीं, मतलब अगर किसी को कार नहीं मिली तो? बिना प्रूफ के? नहीं, अगर कार नहीं मिलेगी तो यही सबसे बड़ा प्रूफ है ना। सोच लो पोपटलाल, रामसंग कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। अगर उनको पता चला कि बिना प्रूफ के तुमने उन लोगों की बदनामी की है तो वो तुम्हारे ऊपर करोड़ों का ऐसा मानहानि का केस ठोक देगी, तुम्हारी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी। हो सकता है तूफान एक्सप्रेस भी बंद करना पड़े। निगेटिव सोचना ही क्यों लेकिन पोपटलाल, तू की बात कर रहा है क्या? चलो चलो बैठो, चलो 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 बैठो, चलो आजा। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं रामसंग कंपनी की वेबसाइट पर जाकर लिंक ओपन कर रहा हूँ। एक मिनट। क्या हो गया? इससे पहले कि लिंक ओपन हो, मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, कुछ आवश्यक सूचनाएं देना चाहता हूँ। पूरे कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखना ताकि हम लोग नंबर ठीक से सुन सके। और हाँ टप्पू सेना, तुम लोग जीतने के बाद ही बैंड बजाना, बीच बीच पे नहीं। हाँ ओके ठीक है बाबा। सबका ध्यान स्क्रीन पे ही होना चाहिए क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट है, इसका रिपीट टेलीकास्ट नहीं होने वाला। सब लोग कूपन अपने अपने हाथ में रखिए। और हाँ, अगर किसी को इनाम नहीं लगता तो वो अपनी हार को प्यार से स्वीकारे। मेरी तरफ देखकर क्यों बोला? नहीं नहीं, मैं तो सबकी तरफ देख के बोल रहा हूँ। वो अपनी कार को प्यार से स्वीकार है। सबको बोला तो कार बोला, मुझे बोला तो हार बोला था। हो गए? अच्छा अच्छा भिड़े अंकल, दो नंबर तो अनाउंस भी हो गए। क्या हो जाएंगे अगर आप ऐसे ही बोलते रहोगे तो? जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। था, आवाज मत करो भाई। सॉरी बाबा। साहिब जी नमस्ते, मैं हूँ रुस्तम घड़ी वाला। और मैं हूँ डॉली शर्मा। कितनी प्यारी लग रही है। पोपड़ भाऊ जी, राउदे वो शादीशुदा है। कैसे पता चला? मंगलसूत्र तो नहीं पहना? नीट देखिए ना, हाथ में पहना है उसने। हाथ में मंगलसूत्र कौन पहनता है? हाँ पहनते है, आजकल फैशन है। आजकल की लड़कियां पतियों को ऐसे हाथ में रखती है। आ, मुझे भी शुरू कर देना चाहिए पहन। हम आप सभी का हमारी रामसंग कंपनी के लकी ड्रॉ में स्वागत करते हैं। अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। बस तो अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है हमारा लकी ड्रॉ और आप सभी को मिलने वाले हैं ढेर सारे इनाम। और आप में से एक लकी कस्टमर को मिलेगा एक बम्पर प्राइज, चमचमाती कार।
बजर को प्रेस करूंगी, हमारा कंप्यूटर नंबर सेलेक्ट करेगा और उसे इस स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। जिसके कूपन में वो नंबर होगा उसे मिलेगा ढेर सारा इनाम। बस तो देर किस बात की, अपने अपनी कूपन निकालो और हो जाइए तैयार। ओ जी हम हैं तैयार और करो इनामों की बौछार। चलो टोवे आपने शुरू करिए अपना लकी ड्रॉ। हमारा पहला इनाम है ब्लूटूथ हेडसेट। अरे वाह, अगर ब्लूटूथ हेडसेट भी मिल जाएगा तो बस गाना सुन के भांगड़ा पाएंगे। ओ एक गोखी पुत्र, केहो जी गल्ला कर रहे हैं? वड्डा सोच वड्डा, ओ गड्डी के बारे में सोच। ओ ब्लूटूथ हेडसेट तो मैं तेरे दो दिला दूं। देखते हैं हमारा पहला विनर कौन है। डॉली, और वो है 263974। जिस भी कूपन में ये नंबर्स लिखे हैं ना, उनको मिलेगा ब्रांड न्यू ब्लूटूथ हेडसेट। टप्पू सेना बजा। अरे क्या हुआ, कौन जीता हम में से? ले तो तुम लोग क्यों नाच रहे हो भाई? अरे हम में से कोई जीता नहीं, लेकिन बाहर तो कोई जीता होगा। बराबर है नट्टू काका, और सेठ जी बड़े सयाने भी कह के गए हैं ना कि दूसरे की जीत में हमें अपनी खुशी मना लेनी चाहिए। सही बात है। अरे वो बराबर है, लेकिन दो तीन नंबर चले जाएंगे भाई वो खुशी जाहिर करने में। और टपू सेना तुम लोग भी तभी बैंड बजाना जब हम में से कोई जीते। हाँ, और अगला इनाम है डिनर सेट। तो देखते हैं कौन होता है इसका लकी विनर। और नंबर्स आ चुके हैं 402560। तो जिस भी कूपन में नंबर्स लिखे हैं उनको मिलता है डिनर सेट। और अगला प्राइज है एयर कंडीशनर। देखते हैं कौन है इसका लकी विनर। और नंबर्स आ चुके हैं 766591। कमल है, कोई प्राइस लगे नहीं रहा। कमल टेंशन मत लो, ये बम्पर प्राइस कार हमें ही लगेगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। रसगुल्ले कमल। मैं तो बहुत नर्वस हो रही हूँ। अंजलि टेंशन मत लो, अगर ऊपर वाले ने चाहा ना तो प्राइस हमें ही मिलेगा। बम्पर प्राइस। बम्पर प्राइस। या अल्लाह मुझे बम्पर प्राइस जिता दे। तो हमारा अगला इनाम है फ्रिज। तो देखते हैं कौन होता है इसका लकी विनर। और वो नंबर्स हैं 999621। सो जिस भी कूपन्स में ये नंबर लिखे हैं उनको मिलता है एक रेफ्रिजरेटर। और अगला इनाम है मोबाइल फोन। और वो नंबर्स है 333444। कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगला इनाम है सीलिंग फैन। देखते हैं कौन होता है इसका उत्तर।
और नंबर्स हैं 546997। और अब हमारा अगला इनाम है गोल्ड कॉइन। जीरो डबल एट सेवन सिक्स टू। ये नंबर्स जिस किसी के भी कूपन में हैं, उसको मिलेगा 1 ग्राम सोने का कॉइन। करेक्ट, जीत गया, मेरा नंबर लग गया। अरे थैंक यू जेठा भाई, ये प्राइज मैं आपकी वजह से जीता। आज मेरी तरफ से पूरे गोकुलधाम सोसाइटी को सोडा फ्री। चलो तो पछी आपने वधिए एक अगले इनाम की तरफ। तो हमारा अगला इनाम है टोस्टर। देखते हैं किसको मिलता है टोस्टर। So, जिस भी कूपन में ये नंबर्स हैं, उनको मिलता है टोस्टर। टोस्टर जीतने वाले को ढेर सारी बधाई। मिला मुझे किसी को मिला क्या इनाम ये? बच गए। ओके ओके ओके। टोस्टर है ना आपने करे? सुधे माला कार रही। आइए अब चलते हैं अगले इनाम की ओर। और अगला इनाम है मिक्सर ग्राइंडर। देखते हैं कौन जीतता है। और नंबर है 524836। जिस भी कूपन में ये नंबर्स हैं, उनको मिलता है एक मिक्सर ग्राइंडर। ये भी लगा क्या किसी को हम में से? नहीं, बच गए। चलो अच्छा है, छोटे मोटे इनाम हम में से किसी को नहीं लग रहे। तो हमारा अगला प्राइस है टेबल फैन। और वो लकी नंबर्स है 899145। Congratulations! Wow! और अब हमारा अगला प्राइस है वायरलेस चार्जर। और वो लकी नंबर्स है 111323। Congratulations! और अगला इनाम है आयर, यानी कि स्त्री। फ्रेंड्स, ये वाला इनाम तो गोकुलधाम सोसाइटी में से किसी को लगना चाहिए। तो देखते हैं कौन जीता ये स्त्री। कहीं ये स्त्री पोपटलाल को ना लग जाए। खरीदी भी स्त्री और इनाम में भी स्त्री। सही बात है, बेचारा पोपटलाल। ये स्त्री तो भिड़े को लगनी चाहिए। भिड़े का स्त्री के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। अरे मुझे तो स्त्री बहुत पसंद है, मेरे पास स्त्री का कलेक्शन हो जाएगा। कोई बात नहीं, आने दो। का है आने दो? लॉन्ड्री खोलनी है क्या? तो चमको वाला आहे ना सोसायटी च्या बाहेर, तू कशाल? आपल्या लागणार थोडी स्त्री, हमें कार ही लगेगी। हाँ मग कार म्हणा कार। अरे नंबर आने शुरू हो गए। अरे नहीं, और नंबर्स आ चुके हैं 452334। ये तो सचमें स्त्री लग गई। अरे वाजवा। अरे काय वाजवा, स्त्री लागली आहे। कार गई
अरे हाँ, कार गई ना हाथ से। माधवी भाभी, कितने लोगों ने सामान खरीदा, लेकिन इनाम सब थोड़ी ना जीतने वाले हैं। हाँ माधवी भाभी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका कूपन वेस्ट नहीं गया। आपको इनाम तो लगा। हाँ बाबा, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। एक गोया बजाओ, तुम लोग बजा क्यों नहीं रहे हो? मुझे लगा आपको गिफ्ट पसंद नहीं आया। अरे नहीं, खुश है, खुश है, बहुत खुश है। माधवी पॉजिटिव सोचो, आधा ग्लास भरा हुआ है वो देखो, आधा ग्लास खाली क्यों ये मत सोचो। और दूसरा क्या है ना, बाकियों के भी इनाम बाकी है, सब लोग उधर देखो। कार बाकी है। फ्रेंड्स, कार लगती तो ज्यादा अच्छा होता, पर ये इनाम भी ठीक है। हाँ, टेंशन मत ले, अगर मेरे मम्मी पापा गाड़ी जीत गए ना, तो हम साथ में घूमने जाएंगे यार। डन। अब देखते हैं हेयर ड्रायर कौन जीतेगा। मुझे तो लगता है लोग छोटे मोटे इनाम देकर ही निपटाने वाले, गाड़ी किसी को नहीं देने वाले। अरे अरे अंकल, अरे फिर चालू हो गया। बबीता जी, अंजलि भाभी, कमल भाभी। कमल पोपटलाल भाई, आप नहीं चाहते कि आपकी बहनें कार जीते? हाँ हाँ, तो ये अगला इनाम अनाउंस कर रहे हैं। और अगला इनाम है स्मार्ट वॉच। धीरे धीरे बड़े इनाम आ रहे हैं। बम्पर इनाम का माहौल बन रहा है। पापा जी मेर करी, गड्डी दिलाने में देर ना करी। देखते हैं कौन जीतता है ये स्मार्ट वॉच। और नंबर्स आ चुके हैं 325416। सो जिस किसी के भी कूपन में ये नंबर्स हैं, उनको मिलने वाली है ये स्मार्ट वॉच। अरे बाबा, ये नहीं है, नई वाली मिलेगी। और लग गया। और बच्चों बजाओ ढोल, बजाओ। एक मिनट, नाम तो मैंने लगाया, तुम लोग क्यों खड़े हो गए? नहीं नहीं सुड़ी भाई, ये तो हमें लगा है। हाँ हमें लगा है। ये? सुड़िया लोग को, भाई ये कह रहे हैं इनाम इनको लगा है। दो दो लोगों को इनाम, ये कैसे पॉसिबल है? ओए हाँ जेठा ब्रा, वो एक ही नंबर के दो दो कूपन। अरे भाई मैं तो पहले से कह रहा हूँ। अरे एक मिनट तो शांति रखना भाई, एक मिनट दिखा सोटी। देखो एक नंबर के दो कूपन तो नहीं हो सकते। आपका दिखाइए एक मिनट। अरे दोनों कूपन का एक नंबर नहीं है, एक नंबर नहीं है भाई। ये देख नंबर, देख दोनों अलग है। देखा वो चिटा ब्रा, एमए की भी। अरे ये देख, ये तेरा कूपन है बराबर, लास्ट के दो नंबर के 61 है और इनाम 16 को मिला है भाई। ओ तेरी, मतलब इनको मिला है इनाम, इनको। बस बस, क्या तुम भी सूढ़ी। ओए पिडू, ओ थिंक पॉजिटिव, ओ गड्डी जीतने का एक मौका और मिला है, ओ खाली ग्लास आधा। हाँ, तेरा ग्लास कभी खाली होता है लेकिन। मंजर? नहीं असल। और अब अगला इनाम है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव भी जीत जाओ तो भी ठीक है, रोशन खुश हो जाएगी। और जीतने वाले कूपन का नंबर है 729874। और दूसरा प्राइज है टैबलेट। देखते हैं कौन होता है वो लकी विनर। और अब बस आखिरी दो नाम बचे। पहला
हनीमून पैकेज टू दुबई। और दूसरा चमचमाती न्यू कार। हनीमून पैकेज? नहीं नहीं, मुझे तो कार ही चाहिए। हाँ नहीं नहीं, अपने को तो कार ही चाहिए। हाँ बस। हे भगवान प्लीज ये कार हमें जिता दो। हे भगवान, ये बम्पर प्राइज हमें ही लगना चाहिए प्लीज। अभी तक एक भी गिफ्ट नहीं लगी है, मुझे तो सच में लग रहा है मेरे मोई पापा तो गाड़ी जीतेंगे। सोच लो फ्रेंड्स, पहली बार ड्राइव पे कहाँ जाएंगे। चलिए तो देखते हैं किसको मिलता है हनीमून पैकेज टू दुबई। अंजलि, अगर ये नाम भी मिल गया ना तो भी मुझे चलेगा, मस्त रोमांटिक ट्रिप पे जाएंगे। नहीं, मुझे बम्पर प्राइस में कार ही चाहिए, रोमांटिक ड्राइव पे जाएंगे। और हनीमून पैकेज जीतने वाले का नंबर है 367890। Congratulations! मुझे लगा, अरे मुझे लगा, देखो 367890। चल 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 चल, देखना है ना 367890। अरे मुझे लगा यही नंबर। पोपटलाल एक मिनट, क्या जीता है तुमने? अरे हनीमून पैकेज। तुम्हारी शादी हुई है? हाँ पोपटलाल, हनीमून पे तो शादी के बाद जाते हैं ना, शादी के बिना तुम हनीमून पे जाओगे कैसे? अरे हाँ, अकेले कंगना रनआउट की तरह, वो क्वीन तो ये किंग, चला किंग अकेले हनीमून मनाने। अरे सबसे बोलो जेठालाल, अकेले हनीमून पे जाए मेरा दुश्मन, मैं जब भी जाऊंगा दुकेला जाऊंगा। तो भगवान आप हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? निकाय मंटे, पोपट भौजी को पूछते हैं ना, कूपन एक्सचेंज करे तो? नहीं नहीं नहीं, वो मुझे स्त्री चाहिए। स्त्रीच कहीं नहीं से। बस तो फिर जिस किसी ने भी ये हनीमून पैकेज जीता है वो अपनी वाइफ और अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर हमारी रामसंग कंपनी की कोई भी ब्रांच में आए और अपना इनाम ले जाए। लो, बिक गए पांडे। अगर ये इनाम जीतने वाला कोई कुंवारा है या कुंवारी है तो फिकर मत करिए, ये कूपन अगले एक साल तक वैलिड है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया कंपनी है रामसंग। पोपटलाल बच गए। यानी अगले एक साल में अगर आपने शादी कर ली तो आप इस हनीमून पैकेज का फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू। एक ही साल है पोपट। अरे एक साल बहुत होता है, एक साल में तो मेरी शादी हो ही जाएगी। हाँ हाँ हो जाएगी पोपट भाई, और अगर ना हो तो कूपन हमें दे देना। तुम्हारी तो हो जाएगी एक साल में। अरे मेरी शादी भी हो ही जाएगी। अच्छा क्या, अच्छा क्या तेरा मतलब क्या भिड़ा? नहीं अच्छा मतलब अच्छा है कि उन्होंने एक साल का टाइम दिया है। हाँ। तब तक तो तुम्हारी शादी हो ही जाएगी ना, ये ऊपर वाले का इशारा है ऐसा समझो। एक ही ना टॉप दी गल। हाँ तो ऐसा बोलना भाई। ये भगवान, शादी की बाकी सब तैयारी तो मैं बरसों से करके बैठा हूँ और अब ये हनीमून पैकेज भी मिल गया। अब तो किसी सुंदर सुशील कन्या से मिलवा दो। मिल जाएगी पोपट भौजी, वो भी जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू माधुरी भाभी। चलो चलो अभी बैठ जा भाई, अभी हो आखिरी बम्पर इनर अलाउंस होगा। तो अब हमारे प्यारे कस्टमर्स, अपना दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब सबकी धड़कनें बढ़ने वाली हैं। अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। तो आइए देखते हैं किसकी किस्मत में लिखा हमारा बम्पर प्राइज, यानी कि एक नई नवेली कार। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, जिस जिसने भी इनाम जीता है वो अपने कूपन और खरीदी हुई चीजों का बिल लेकर अपने नजदीकी डीलर के पास जाए और उसे जमा कराए।
रामसंग कंपनी का एम्प्लॉई सभी डीलर्स के पास जाएगा, जीते हुए कूपन्स कलेक्ट करेगा और आप सभी के पास जल्द से जल्द सारे इनाम पहुंचाएगा। और खास ख्याल रखना, आपका जीता हुआ कूपन संभाल के रखना, क्योंकि अगर कूपन खो गया, खराब हो गया या फट गया तो आपको इनाम नहीं मिलेगा। कूपन पे लिखा हुआ नंबर साफ साफ दिखाई देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कूपन पे ही आपको इनाम मिलेगा। और हाँ, वो हनीमून पैकेज वाला कूपन एक साल के अंदर अंदर आप हमारी ब्रांच ऑफिस में जमा कर सकते हैं और आपका इनाम ले सकते हैं। अरे वाह, एक साल का टाइम है। लेकिन बाकी इनामों के लिए आपको अपने जीते हुए कूपन अगले 2 दिनों में डीलर्स के पास जमा कराने होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं किसकी किस्मत दिखाती चमत्कार और कौन घर ले जाता एक नई नवेली कार। और नंबर्स आना शुरू हो चुके हैं। हे भगवान, प्लीज 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 ये कार मुझे जिता दो। प्लीज भगवान, कार जिता दे। हाँ भगवान, अंजलि की सुन लो। हे भगवान, प्लीज ये कार हमें जिता दो। और पहला नंबर है 1। और गाड़ी के लिए बचा है सिर्फ एक और नंबर। और लास्ट नंबर है 3। अयो गेला है। एक डिजिट बाकी था सिर्फ। एक मिनट पापा, एक मिनट। अरे इंटरनेट कनेक्शन चेक कर भाई। हाँ हाँ, इंटरनेट कनेक्शन तो ठीक है। ओ अच्छा। अरे तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों हो गई? सही बात है। तेज तो नेम को तेवड़ा बंद पड़ लो। शायद वेबसाइट में ही प्रॉब्लम है। एक मिनट। मुझे लग रहा है वहीं से कोई इशू हुआ होगा। तो मैंनू लगता है सर्वर का इशू होगा। ये लास्ट मिनट ही क्यों ऐसे होता है? अब कैसे पता चलेगा कि गाड़ी जीतने वाली कूपन का नंबर क्या है? मुझे पता चल गया है, ये सब रामसंग कंपनी वालों की चाल है। किसी को गाड़ी नहीं देने वाले हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सारी स्कीमें फर्जी होती है, फर्जी। अरे क्या फर्जी होती है? तुमको तो इनाम मिला ना। अरे क्या मिला? हनीमून पैकेज, कार मिली। पोपट भाई, कार कार होती है, 10 लाख की कार है, किसी को नहीं मिलेगी। अरे पोपट लाख। चलो क्या। सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारा ट्रांसमिशन रुक गया था। पर अब कोई टेंशन नहीं। सही है, सब सही है।
और अब बस कुछ ही देर में कार जीतने वाले कूपन का पूरा नंबर आ जाएगा। तो हमारे बम्पर प्राइज जीतने वाले कूपन का नंबर है
ये मेरा हाँ। ये बिल हाँ, अरे वाह थैंक यू। चार पांच दिन में मिल जाएगा ना प्राइस? हाँ, मिल जाएगा पक्का मिल जाएगा भाई। वाह वाह, एक बात तो कहनी पड़ेगी जेठालाल, मजा आ गया। अरे थैंक यू। सॉरी मेहता साहब, एक नंबर की वजह से कार आपको मिलते मिलते रह गई। कोई बात नहीं है जेठा, लेकिन आखिरकार वही हुआ जो तुम चाहते थे। क्या तुम यही चाहते थे ना कि कार गोकुल धाम वासियों में से कोई जीते? बिल्कुल बिल्कुल, मजा ही आ गया मेहता साहब। और सिर्फ कार ही नहीं, हमारे गोकुलधाम वासी और भी कितने सारे इनाम जीते। हाँ वो तो है जेठालाल, ये बबीता जी और अब्दुल के कूपन संभाल के रखना। हाँ 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 हाँ, मत करो, तुम खुद जानते हो कि तुम्हारी किस्मत तुमसे दो कदम आगे चलती है। अरे शुभ शुभ बोलिए मेहता साहब, क्यों टेंशन दे रहे हो? कल रात को आप ही मुझे ज्ञान दे रहे थे ना कि टेंशन के बारे में सोच रहे ही मत। अभी आप खुद ही टेंशन के बारे में सोच रहे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मेहता साहब, ये बबीता जी और अब्दुल का कूपन है, इसको तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। सॉरी सॉरी जेठालाल, मैं तो दोस्त होने के नाते बस सावधान कर रहा। चलो अंजलि ने बहुत टेस्टी सैलेड बनाया, चल के खाते। जेठालाल, अरे कैसा दोस्त है यार। सब कुर्सियां एकदम सेट हो गई थी। आप दोनों यहाँ? आइए आइए सेठ जी, आइए सेठ जी। सिर्फ दोनों नहीं, तीनों, बावरी जी भी हैं। तो कहाँ है? वो अंदर किचन में हमारे लिए चाय बना रहे हैं। वो सेठ जी, दरअसल हमने सोचा कि यहाँ तक आए ही हैं तो बापूजी से मिलते जाएं। मैंने अच्छा किया। भागा, फिर क्या हुआ? हाँ फिर लकी ड्रॉ शुरू हुआ। ए संजय, तू क्या बापूजी को लकी ड्रॉ का आंखों देखा अहवाल बता रहा है? नहीं नहीं, तू मत बता, मैं बताऊंगा। मेरे बापूजी है ले। से? ले ले, ये बताओ तो। अरे बापूजी, मैं क्लब हाउस से निकला तब से मैंने मन में नक्की किया था कि घर पहुंचते ही ये लकी ड्रॉ के बारे में पूरा विगतवार में आपको बताऊंगा। अच्छा ठीक है भाई, बागा इसे बताने। क्या बता? हाँ तो तूने कहाँ तक बताया? नहीं मैंने तो बस बापूजी को इतना ही बताया कि हम सब क्लब हाउस में मिले और टप्पू सेठ जी ने वो लिंक स्टार्ट की और फिर बस उतने में आप आ गए। अच्छा तो बापूजी फिर हुआ यूँ? नहीं नहीं, मुझे पूरा मन बता भाई, तू मुझे सिर्फ इतना बता कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में से कोई इनाम जीता कि नहीं? अरे जीता नहीं बापू जी, जीते बहुत लोग जीते। कौन कौन? ये अब्दुल सबसे पहले वो 1 ग्राम सोने का सिक्का जीता। अरे वाह। फिर भीड़े स्त्री जीता। अरे वाह। फिर पोपटलाल अपना वो हनीमून टूर पैकेज जीता। लेकिन उसकी अभी तक शादी कहाँ हुई? हाँ लेकिन वो जो इनाम है ना बापू जी, वो 1 साल तक वडिल है। वडिल? वैलिड है बापू जी, 1 साल तक वो वैलिड है। मतलब ये कि 1 साल में आप कभी भी हनीमून पे जा सकते हैं। अच्छा हाँ। अरे लेकिन कार कौन जीता वो तो बताओ। अरे बापू जी, सीट जी ये मुझे बताने दीजिए ना। क्या मुझे बताने दीजिए? सीट जी, आगे के 3 नाम आपने बताए ना, तो ये नाम मुझे बताने दीजिए ना। अरे भाई, ये एक ही तो मेन है। सीट जी प्लीज मुझे बताने दीजिए ना। नहीं सीट जी, प्लीज बताने दीजिए ना। नहीं सीट जी प्लीज। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों, बताओ ना भाई कौन जीता कार? बबीता जी। हाँ बापू जी, कार बबीता जी जीते। अरे क्या कर रहे हैं बागा? क्या हुआ, बबीता बेटी कार नहीं जीती है? नहीं नहीं, कार बबीता जी जीते। तो फिर क्यों गुस्सा हो रहा है? तो मुझे बताना था बापू जी। तो लेकिन बताया तो नट्टू ने ना, उसमें बागा पे क्यों गुस्सा हो रहा है? तो नट्टू का क्यों बता दिया आपने? सॉरी सेठ जी, आप और बागा बहस कर रहे थे तभी मैंने देखा बापूजी जानने के लिए बहुत उत्सुक थे तो मैंने बता दिया। अच्छा किया, अच्छा किया बता दिया। वो बापूजी कब से जानने के लिए उत्सुक हो रहे थे ना, तो जितनी जल्दी हो सके उन्हें बताना ही चाहिए ना। तो बापूजी कुल मिला के कार बबीता जी जीते।
वाह 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 वाह, ये बहुत अच्छा हो गया। तेरी इच्छा पूरी हो गई। नहीं नहीं, तू चाहता था ना कि कार हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में से ही कोई जीते। हाँ हाँ हाँ। वैसे सेठ जी, इस सेल से रामसंग कंपनी वालों को बहुत फायदा हुआ होगा। नहीं, ये क्या सवाल पूछ रहा है तू? तो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइन में नया नया आया है? मतलब नटू काका, इस स्कीम से रामसंग कंपनी वालों को बहुत फायदा हुआ होगा। नहीं, रामसंग कंपनी वालों को फायदा हुआ, गडा इलेक्ट्रॉनिक्स को फायदा हुआ, जिन लोगों को कूपन में इनाम लगे उन सबको फायदा हुआ, सबको फायदा हुआ। हाँ, सिर्फ दो लोगों को फायदा नहीं हुआ। अरे रे, कौन दोनों? दो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे, बिन ताले। मैं समझ गया बापूजी, ये दोनों उनकी ही बात कर रहे हैं। इनकी? उनकी खुद की। क्या पूछ पूछ के आ रहे हैं ये दोनों? पगार बढ़ाने की बात। लेकिन ये दोनों भी कमाल है, जब जब मैंने सामने से पगार बढ़ाने की बात की है तब तक इन्होंने मुझे मना किया है कि नहीं नहीं अभी नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है। हाँ तो सेठ जी, हम आज भी पगार बढ़ाने की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा क्यों बोला कि सबका फायदा हुआ सिर्फ दो लोगों को छोड़ के? सॉरी सेठ जी, ऐसे ही मुंह से निकल गया। सॉरी सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं दादा। वैसे बापू जी, ये स्कीम को कसकसफुल बनाने के लिए नट्टू काका, बाघा, बावरी और मगन, ये चारों ने बहुत मेहनत की है। तो नट्टू काका और बाघा को 11,000 और बावरी और मगन को 5,000 खुशी भेंट दूंगा। अरे वाह, अरे वाह। तो इसी खुशी के बाद पे ये लीजिए, गर्मा गर्म चाय पीजिए। ये लीजिए आपू जी। आपू जी? हाँ, आप ले। आप बापू जी, बापू जी। ये लीजिए। हाँ, रुक 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 रुक, धावपड़ मत कर भाई। कोई गलती से मिस्टेक नहीं की, कल एक आपू जी हो गया बापू जी का। कोई बात नहीं, अभी सेठ जी वो खुशी भेंट। हाँ, कल दे दूंगा भाई। नहीं नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो खुशी भेंट के अलावा एक 3,000 रुपए और देने हैं। क्यों, किस बात के? वो चाय कॉफी का बिल। हाँ नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। भागा, और 2100। हाँ सेठ जी, और 2100 रुपए आपको देने हैं। अरे आप दोनों मुझे 2100 क्यों देंगे? नहीं नहीं, आपको हमें देने हैं। क्यों, अभी ये किस बात के? वो हमारी दुकान के बाजू में जो मंदिर है ना, वहाँ चढ़ाने हैं। वो क्या है, सक्सेसफुल सेल के लिए दुकान की तरफ से हमने 2100 रुपए की मन्नत रखी थी। ओ अच्छा, नहीं नहीं, अगर मन्नत रखी थी तो बराबर है, तो देने ही चाहिए। कल सुबह सबसे पहले ये 2100 मंदिर में जाकर जमा कर देना। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब अच्छा हुआ है। तेरी सेल भी अच्छी हो गई और तेरे दिल की इच्छा भी पूरी हो गई। गोकुलधाम वाले इनाम और कार दोनों जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाबूजी, गोकुलधाम सोसाइटी में तो खुशियों की लहर फैल गई। अबुल भाई, पांच आइसक्रीम गड़का दो। अभी लाया क्या? आ रही है गोली। जल्दी जल्दी आ गई, आ गई। क्या बात है अब्दुल भाई, काफी खुश लग रहे हो। इनाम जो जीता हूँ खुश तो होऊंगा ही ना। वाह सही है अब्दुल भाई, लकी है आप।
गोकुलधाम वाले इतना प्यार करते हैं, लकी तो होऊंगा ना। और पता है मेरा एक बहुत बड़ा पेमेंट अटक गया, मैंने तो कुदर खरीदे का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया था। उसी वक्त जेठा भाई फरिश्ता बनकर आए और बोले, दोस्त तू कुदर लेके जा, जब भी तेरे पास पैसे आएंगे ना तब दे देना। वाह वाह वाह। और देखो कूलर भी मिल गया और इनाम में सोने का सिक्का भी। ये तो बहुत अच्छा काम किया जेठा अंकल ने। अगर हर आदमी जेठा भाई जैसा सोचे तो ये दुनिया खूबसूरत बन जाएगी। बिल्कुल सही कहा अब्दुल भाई आपने, जब लोग एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे तभी तो अच्छा होगा। वो तो है, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे सबसे पहले मैं जेठा भाई का हिसाब क्लियर कर दूंगा। अब्दुल भाई अभी जेठा अंकल का हिसाब छोड़िए, हमारे आइसक्रीम का हिसाब बताइए। हिसाब? कौन सा हिसाब? अरे इनाम जीतने की खुशी में आज की आइसक्रीम मेरी तरफ से। वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा फ्रेंड्स मैं निकलती हूँ, आई बाबा मेरी राह देख रहे हो। गाड़ी के क्या क्या सपने देखे थे, मस्त ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे। सगड़ो गेलो। मैंने भी तो सपना देखा था ना माधवी, अपनी बिजनेस कार होगी, कार की डिक्की में भर भर के आचार पर लेके जाऊंगा और जगह जगह जाके बेचूंगा। कसना का है मौका है, मैंने भी सोचा था मस्त गाँव जाएंगे, गाँव के मंदिर के दर्शन करेंगे, रिश्तेदारों को गाड़ी में बिठा के खूब घुमाएंगे। क्या क्या सपने देखे थे लेकिन सब सपने चकनाचूर हो गए। नसीब से इतना अच्छा मौका मिला था, पता नहीं इस जन्म में गाड़ी मिलेगी भी या नहीं। मिलेगी मिलेगी जरूर मिलेगी, बस इस बार गाड़ी जीतने का टाइम हमारा नहीं था, जब टाइम हमारा होगा तब गाड़ी भी अपने आप आ जाएगी। पता नहीं वो समय कब आएगा जब हमारे पास गाड़ी होगी। आई आएगा ना, वो समय भी जल्दी आएगा। अभी देखो ये मौका कैसे आउट ऑफ द ब्लू आ गया, ऐसे ही कई सारे मौके फ्यूचर में भी आएंगे। बाबा आप ही तो कहते हो ना कि लाइफ में हमें सब कुछ सही समय पर मिलता है, सही समय से पहले और तकदीर से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। और आप दोनों ये सोचो कि कार ना होके भी हमने कार के कितने मजे लिए अपने सपनों में। अपने सपनों की कार में हम लोग कहाँ कहाँ नहीं घूमे। हाँ और उसका फायदा भी होता है ना, ना ट्रैफिक का झंझट, ना पेट्रोल का खर्चा, और सपनों में रोज एक नई कार। अरे आई मुस्कुराओ ना, तुम्हें तो सिखाया है कि हमें जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए, और खुशी पैसा कपड़े गाड़ी ये सारी चीजों की मोहताज थोड़ी होती है, खुशी तो दिल में होती है, और जो इंसान दिल से खुश है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। और हम तो लकी है कि हमें गिफ्ट तो मिला, कितने लोगों को तो वो भी नहीं मिला। और बाबा आप तो सुपर लकी हो, आपको तो आपकी फेवरेट चीज मिली है। हाँ मैंने बोला ना कि मेरी स्त्री के कलेक्शन में बढ़ोतरी हो गई। स्त्री कार से ज्यादा अच्छी चलती है और पेट्रोल भी नहीं पीती और माइलेज भी बहुत अच्छा देती है, 3 कपड़ा पर मिनट। आए हंसी हंसी मेरी आई हंसी। आई बाबा आप दोनों बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आप दोनों का ये सपना पूरा करूंगी। आप दोनों ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया है, देखना एक दिन आप दोनों के आशीर्वाद से मैं इतना पैसा कमाऊंगी कि आप दोनों की फेवरेट कार खरीदूंगी और फिर उस कार में बिठाकर आप दोनों को बहुत घुमाऊंगी। क्या बात है, ये हुई ना बात, तुमने तो हमारी मायूसी दूर कर दी बेटा, क्या बात। समझदार हो गई एकदम ना, पेटी किसकी हूँ। खामखा हम मायूस हो गए थे, करतर मुझे खुश होना चाहिए, हमारे महिला मंडल के मेंबर को गाड़ी मिलने वाली है, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आने वाली है गाड़ी। आमा, और हम नई स्त्री जीते हैं।
वाह 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 भगवान, आपकी लीला अपरंपार है कि हनीमून पैकेज मुझे जितवा के आपने संकेत दे दिया कि एक साल के अंदर पक्का मेरी शादी हो जाएगी। वरना इतने लोगों में आप हनीमून पैकेज मुझे क्यों जितवाते? थैंक यू भगवान, थैंक यू। एक मिनट, मेरी शादी होने से पहले अगर ये रामसंग कंपनी बंद हो गई तो? थैंक यू भगवान ये विचार सुझाने के लिए। कल सुबह जेठाला से इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, वरना ये कूपन का क्या होगा? हे भगवान, अब जल्दी से मेरे जीवन में मेरे सपनों की रानी की एंट्री करवा दीजिए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आई रुत मस्तानी कब आएगी तू? बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू? चलिया हाँ तू चलिया। ऐसे मुंह बुला क्यों बैठी हो? वो नहीं बुलाया है, मैं उदास हूँ। अंजलि तुम उदास नहीं हो। मैं उदास हूँ। तुम अंजलि उदास नहीं हो, तुम अंजलि मेहता हो। तारक मजाक कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ तुम उदास क्यों हो? तो क्या करूँ, एक सिर्फ एक नंबर से गाड़ी हाथ से निकल गई है। आपको पता है क्या क्या सोचा था मैंने? रोमांटिक ड्राइव पर जाएंगे, मजे करेंगे, मेरे सारे सपने अधूरे हो गए। अंजलि इतनी छोटी सी बात पे उदास होने की क्या जरूरत है? ऐसे मौके तो जिंदगी में आते रहते हैं और ये सब तो चलता रहता है। देखो किसी एक लकी इंसान को कार मिलनी थी, उसे वो कार मिल गई। तो हम लकी क्यों नहीं है? गाड़ी हमें क्यों नहीं लगी? सिर्फ सिर्फ एक नंबर से गाड़ी हाथ से निकल गई ना, इसलिए मुझे ज्यादा बुरा लग रहा है। तारक आपको पता है लकी ड्रॉ से क्या क्या उम्मीदें थी मेरी? अंजलि उम्मीदें मायूसी की जड़ है। किसी चीज से अगर हम उम्मीदें जोड़ देते हैं और फिर वो चीज नहीं मिलती तो हमें बहुत दुख होता है, इसलिए किसी भी चीज से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। इसलिए ऐसे उदास होके कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो तो हो गया। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कार हम गोकुल धाम वासियों में से किसी को मिली है। तारक एक्चुअली ऑलराइट, आखिरकार हमारे गोकुल धाम में ही तो आई है और मुझे बबीता जी के जीत में उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। जब हम दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं तो हमारी खुशी भी दुगनी हो जाती है। हाँ, वो तो है। बबीता जी का फोन है। लंबी उम्र है। हेलो बबीता जी, अभी हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे, 100 साल जिएगी आप। लगता है कार जीतने की एक्साइटमेंट आपको सोने नहीं दे रही है। क्यों, बस ऐसा ही कुछ समझो अंजलि भाभी, मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि मैं कार जीत गई हूँ। तो यकीन कर लीजिए क्योंकि आप ही कार जीती है। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच। वेल मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। क्यों? हमारे नंबर्स ऑलमोस्ट सेम थे, बस एक नंबर की वजह से आपकी कार रह गई और कार मुझे मिल गई। सो आई एम काइंड ऑफ सॉरी अबाउट इट। अरे आप क्यों सॉरी बोल रही है, मैं तो उल्टा आपके लिए खुश हूँ। कम से कम हमारे गोकुल धाम में से किसी को तो गाड़ी लगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम। अब बताइए आपने फोन क्यों किया? अंजलि भाभी आपके कोई रिलेटिव है ना जिनकी ड्राइविंग स्कूल है? हाँ हाँ है ना। आप कल सुबह मेरे साथ वहाँ पे चलेंगे प्लीज, मुझे ड्राइविंग क्लासेस शुरू करना है और कार की लाइसेंस भी निकलवानी है। हाँ हाँ सब हो जाएगा, आप बस मुझ पर छोड़ दीजिए। आपकी ड्राइविंग की ट्रेनिंग भी हो जाएगी और आपको लाइसेंस भी मिल जाएगा। ग्रेट, थैंक यू सो 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 मच। आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग। ओके बाय, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। तारक चलिए सोने चलते हैं, मुझे कल सुबह बबीता जी के साथ ड्राइविंग स्कूल जाना है, उन्हें कल ही से ड्राइविंग सीखना है। चलिए। हाँ, हे भगवान, बबीता जी कार सीखने की तैयारी कर रही है मगर कूपन तो अब तक कंपनी में पहुंचा ही नहीं है। कार का मिलना तो उस कूपन पे निर्भर करता है। बबीता जी बहुत खुश हैं भगवान, उनकी खुशियों को पंचर मत करना, उनके कूपन की रक्षा करना। I am so 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 happy. बस अय्यर को नहीं बता सकती सरप्राइज जो देना है। चलो ड्राइविंग क्लासेस भी सॉर्टेड है, लाइसेंस भी जल्दी मिल जाएगा, बस कार जल्दी से मिल जाए भगवान।
नो लेट्स स्लीप. सुबह ड्राइविंग क्लासेस के लिए भी जाना है एंड आई एम सो 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 एक्साइटेड.